आप में से बहुतों ने हाइबरनेशन के बारे में तो सुना ही होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जब ठंड के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो भालू और भालू जैसे दूसरे जानवर पूरे विंटर सीजन सोते ही रहते हैं और ठंड के ज़्यादातर दिन सोते हुए ही बिता देते हैं। और ये जो प्रोसेस है इसे ही हम हाइबरनेशन कहते हैं। और जब मौसम बदलता है तो ये जानवर हाइबरनेशन से जागने लगते हैं और धीरे धीरे अपना डेली लाइफ शुरू करने लगते हैं। पर आप शायद ये ना जानते हों कि ऐसे भी कई जानवर होते हैं जो गर्मियों के मौसम में भी सोने चले जाते हैं, जैसे सांप, कछुए और मगरमच्छ। ये सभी जानवर गर्मियों के कई दिन सोने में बिता देते हैं। और जैसे सर्दियों में सोने की प्रक्रिया को हाइबरनेशन कहते हैं, वैसे ही गर्मियों में सोने के प्रोसेस को एस्टिवेशन कहते हैं। अब हमें कमेंट करके जरूर बताना कि किन किन को एस्टिवेशन के बारे में पहले से पता था।